बीते दिन चैत्र नवरात्रों का आगाज हो गया और हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रों के दिनों में लोग व्रत रखते हैं और इस व्रत में कुछ विशेष चीजें ही हैं जो खाई जाती हैं और उसी में शामिल है कुट्टू और स्वांग का आटा, जिसकी गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर पिछले साल भी कई सवाल उठे थे। पिछले कई सालों से व्रत का आटा खाने से लोगों के बीमार पड़ने के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा ही इस साल भी देखने को मिल रहा है। दरअसल बीते दिन नवरात्रि का पहला दिन था और यमुनानगर में दर्जनों लोग व्रत का आटा खाकर बीमार हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ लोगों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। यमुनानगर की आजाद नगर, शास्त्री कॉलोनी के साथ अन्य क्षेत्रों में भी व्रत का आटा खाने से लोगों के बीमार होने के मामले सामने आ रहे हैं। यहां लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। लोगों को उल्टी, दस्त और इन्फेक्शन जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं, जिनका इलाज शहर के अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। इसी के साथ ही मिलावट और लापरवाही के चलते लोगों में दुकानदारों को लेकर खासा रोष है और साथ ही साथ वो जिला प्रशासन से सख्त एक्शन लेने की मांग भी कर रहे हैं। मौसम में सी उल्टियां आ गया और काम नहीं शुरू हो गए। क्या हुआ था? की रोटी खाई आते की। इन्होंने आज व्रत के लिए हमने आटा लाए थे व्रत वाला, तो मेरे घर में मेरी मिसेज ने और आंटी हैं हमारे घर बुजुर्ग, उन्होंने खाया और दोनों यंग कॉन्शियस हो गए। हाथ पैर इन्होंने छोड़ दिए और हम आंट इनको तो मिसेज को तो यहाँ एडमिट कराया और आंटी ज़्यादा सीरियस थी, उनको जेपी में लेके गए। दुकानदार क्या कर रहे हैं, जो पिछले साल का आटा बचा हुआ होता है ना, उसमें ताज़ा आटा मिलाया, वो पॉइजन तो पहले हो चुका होता है पुराना आटा भाई, या पीछे से मिलावटी आटा आ रहा है। वो जो जो खरीद रहे हैं खा रहे हैं, व्रत है हिंदुओं का तो सारे अपना, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई यहाँ एडमिट है, कोई यहाँ पड़ा हुआ है। अब मेरे बगल के परिवार के 3-3 बंदे पड़े हुए, गलत है, इनके खिलाफ पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने जब आटा खाया तो वो स्वाद का, उसके बाद वॉमिटिंग शुरू हो गई, बेटे को भी शुरू हो गई, काम वाली को भी हो गई। अब बेटा घर पड़ा हुआ, उसको भी होश नहीं है, ये यहाँ हॉस्पिटल में है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि दोपहर में जैसे ही लोगों ने व्रत वाले आटे की रोटियां खाई, तभी से ही उनके पास मरीज आने शुरू हो गए। सबको एक जैसे ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। उनके पास एक मरीज की हालत ज्यादा खराब थी, जिसके चलते उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सवा का आटा जो व्हाइट वाला होता है ना, वो आटा सभी ने खाया है। जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, सभी के सभी वॉमिटिंग्स और हेडेक और चक्कर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेम्बलिंग है, सभी लोग कांप रहे हैं, कंपन बहुत ज़्यादा है। तो सभी को हम फ्लूड्स और सब चीज़ों से मैनेज कर रहे हैं। कुछ पेशेंट सेटल हो चुके हैं, कुछ को हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है और कुछ पेशेंट सभी आ रहे हैं हमारे पास। एक एक फैमिली के 3 मेंबर, 3 के 3 इकट्ठे आ रहे हैं, पूरी फैमिली भी आ रही है। 20 लोगों को तो ट्रीट कर दिया है और कुछ को मेडिसिन दी है, क्योंकि बेड फुल होने की वजह से हमें कुछ को रेफर भी करना पड़ा आगे और हॉस्पिटल्स के। बहुत फोन आ रहे हैं मेरे पास, घर में सारे के सारे बीमार हो गए हैं, इस समय बस कंडीशन काफ़ी बैड है। पिछले कई सालों से ही व्रत वाले आटे के कारण हर नवरात्रि में लोगों के बीमार होने की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते अब लोग प्रशासन से इस मिलावट के खेल को रोकने के लिए कोई एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट।